मैं कर रही हूँ सेट पर जाने की तैयारी, ओ आई मीन मैदान पर जाने की तैयारी। वैसे कोई है जो आज पहुंचा है अपने पापा के सेट पर? भाभी जी घर पर हैं के तिवारी जी यानी कि रोहिताश गौर आज पहुंचे हैं अपने शो के सेट पर, लेकिन वहां उन्हें सरप्राइज करने के लिए कोई और भी पहुंचा है। वो कोई और नहीं बल्कि सास बहू और सस्पेंस के साथ पहुंची है उनकी बेटियां गीती और संगीति। और यहाँ पर गीती और संगीति ने अपने पापा से अपने रिश्तों के बारे में हमसे बात की। अंगूरी भाभी के पति देव को आज मिलेगा डबल सरप्राइज। ओ मेरे पापा दी ग्रेट, हैप्पी फादर्स डे। फादर्स डे पर तिवारी जी को सास बहू और सस्पेंस ने दिया बिग प्राइज। विभूति नारायण के साथ मिलकर लोगों को हंसाने और गुदगुदाने वाले तिवारी जी यानी रोहिताश गौर ने सोचा भी नहीं था कि आज सेट पर उनसे मिलने उनकी परियां आएंगी। बड़ा अजीब सा एक हुआ, लेकिन ये मेरे को समझ नहीं आया कि अचानक कहां से प्रकट हो गई। मैंने तो सोचा था कि मतलब आज क्या है क्या, ये मैं समझ ही नहीं पा रहा था। क्योंकि आज फादर्स डे, हमने सोचा कुछ अलग करते हैं। पापा को तो छुट्टी नहीं मिली तो हमने सोचा कि हम ही पापा के सेट पे आ जाए। पापा ज्यादातर सेट पे ही रहते हैं, आज फादर्स डे तो हम सेलिब्रेट करेंगे। मौका है फादर्स डे का तो फिर जश्न तो बनता ही है ना। बड़ी बहन गीती के साथ मिलकर छोटी बहन संगीती ने पूरा इंतजाम कर लिया है। You're the king of my heart. Wow. You are my happy place. लेकिन ऐसे कैसे, अभी तो तिवारी जी की रियल अंगूरी को भी इन्हें ज्वाइन करना है। ये सब हम अकेले तो नहीं कर पाए, तो हमने सोचा किसी की हेल्प ले, और हमारी हेल्प की हमारी मम्मा ने यानी तिवारी जी की असली अंगूरी ने। सही पकड़े हैं, ये है तिवारी जी की असली अंगूरी यानी रेखा गौर, जिन्होंने ये सारी प्लानिंग की है। हैप्पी फादर्स डे, फादर ऑफ माय बोथ द क्यूट डॉटर्स। तो अब तिवारी जी की ताजपोशी के साथ शुरू करते हैं फादर्स डे का जश्न। अब सेल्फी तो बाद में हो जाएगी तिवारी जी, बेटियां इतनी दूर से आई हैं तो पहले केक काट लिया जाए। अभी बातें तो होती रहेंगी, तो पहले हम केक काट लेते हैं और हमने हाँ और फिर हम देंगे कार्ड्स, और हमने पापा के लिए स्पेशली हार्ट बनाया है। बाप की हालत हो गई है। केक काटने के बाद आई अब कार्ड पर लिखे उन मैसेजेस को पढ़ने की बारी। तिवारी जी आप खुद ही सुना दीजिए कि आपकी लाडलियों ने आपके लिए क्या लिखा है। बड़ी बेटी गीती का कार्ड है। यू आर द किंग ऑफ माय हार्ट, अब देखता हूँ इसके अंदर कौन सा हार्ट बनाया है। माय डियर पापा, यू आर रियली द किंग ऑफ माय हार्ट, आई लव यू टू द मून एंड बैक। You are the best father and an epitome of beautiful soul. I love you. Thank you. Thank you so much. You are my happy place. अब इसमें इसने लिखा है, Dear Papa,
यू आर द बेस्ट एंड स्वीट फादर, यू आर माई हीरो, यू आर माई हीरो एंड आई लव यू। वेल, बेटियों से मिले सरप्राइज ने तिवारी जी को काफी भावुक कर दिया, सेम वैसे ही जैसे वो अपनी बड़ी बेटी के पैदा होने पर हुए थे। गीति जब पैदा हुई थी तो आपको विश्वास नहीं होगा कि जैसी डॉक्टर ने बताया कि बेटी हुई है तो मैंने डॉक्टर को गोदी में उठा लिया था और उसको ऐसे हवा में लहरा दिया था। मुझे बहुत खुशी हुई थी, मतलब वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकता। और उस समय इंडिया पाकिस्तान का मैच था और इंडिया जीत गया था और महाशिवरात्रि थी। बड़ी बेटी तो पापा का गर्व है, लेकिन रोहिताश का कहना है कि केयर करने के मामले में छोटी बेटी ज्यादा आगे है। ये बहुत प्यारी है और ये मेरे से बहुत अटैच्ड भी है, हालांकि किसी भी ऐसी बात नहीं है, बट ये मेरी बहुत केयर करती है, छोटी छोटी चीजों में केयर करती है। अगर मैं थोड़ा सा, अगर मुझे ऐसा भी होगा, मैं ऐसे करूँगा ना, पापा रुमाल ले लो। जब भी उन्हें छुट्टी होती है हम या तो कभी बाहर चले जाते हैं या तो घर पे बैठ के खाना खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फिर वो अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करती है, मम्मा पापा की स्टोरी या उनके बचपन की स्टोरी, तो वो मुझे वो सुनने में बड़ा मज़ा आता है। पापा का हर मोमेंट मेरे को अच्छा लगता है और आई एम लकी कि मेरे को ऐसे डैड मिले हैं। बाप और बेटियों की क्यूट मूवमेंट के बीच रियल अंगूरी ने खुलासा किया कि छोटी बेटी के साथ तिवारी जी की कभी कभी ठन भी जाती है, लेकिन क्यों? जरा सुनिए। डोंट वॉच दिस रियलिटी शोज, आई वॉन्ट टू वॉच न्यूज, तब बड़ा गुस्सा आता है इनको। अब लाडलियाँ ऐसी हो तो भला किस माँ बाप को लड़के की कमी घलेगी, तिवारी जी की बेटियाँ ही जग में उनका नाम रोशन करेंगी। दोनों एज पेरेंट्स ब्लेस्ड हैं, बच्चियाँ भी ब्लेस्ड हैं कि इन्हें हमारे से पेरेंट्स मिले और हमें एंजल मिली हैं। हम दोनों ने कभी नहीं चाहा कि हमें बेटा हो, एक्चुअली स्पीकिंग सॉरी टू से दिस, क्योंकि रोहित जी का डायलॉग हमेशा रहा है कि बेटे बड़े नालायक होते हैं, माँ बाप को नहीं पूछते, मुझे देख लीजिए, खुद को दिखाते हैं वो। तुम्हारी जिंदगी में भर दिया इसे रंगों से, ये रंग जो है खिलखिलाते हैं, हमेशा खिलखिलाते रहे, यही एक दुआ है ऊपर वाले से। मुंबई से इंडिया टीवी के लिए सुधा सिंह की रिपोर्ट।